श्री गणेशाय नमः। ज्येष्ठ देवताय नमः। जय कुल देवताय नमः। मेरा नाम आचार्य अध्यानी। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में, विवाह के विशेष उपाय। आजकल लड़का या लड़की 30 साल, 35 साल, 40 साल तक हो गए हैं, उनकी एज 40 साल की हो गई है, परंतु रिश्ता नहीं हो पा रहा है। जहाँ भी बड़ी मुश्किल से बात होती है वहाँ रिश्ता टूट जाता है। तो जानते हैं, वैसे सर्वप्रथम जन्म पत्रिका को देख के ही पता चलता है कि किस कारण यहाँ परेशानी आ रही है। क्या पता शनि की महादशा चल रही हो या राहु की महादशा चल रही हो, सूर्य ग्रह कमज़ोर हो, नीच में बैठे हो। बृहस्पति, जो देव गुरु बृहस्पति होते हैं, जो विवाह के विशेष कारक माने गए हैं, देव गुरु बृहस्पति नीच राशि में बैठे हो तब भी विवाह में देरी होती है, या मांगलिक दोष हो, या बच्चा मून में पैदा हो, या काल सर्प दोष हो, या नाग नहिंग का दोष हो, या चंडाल दोष बन रहा हो, तो जिस कारण भी यहाँ परेशानी आती है। तो वैसे तो जन्म पत्रिका में आप बता सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ महीना भेज सकते हो कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। जो भी परेशानियाँ आ रही हो, सर्वप्रथम उस मनुष्य को अपने पर विश्वास होना चाहिए जो भी पाठ पूजन करेंगे, उपाय करेंगे। उसके बाद ब्राह्मण पर विश्वास करें, फिर भगवान पर भी विश्वास करें, तभी आपका कार्य मनोकामना पूर्ण होगा। बिना विश्वास के आप कितना भी उपाय कर लो, कितना भी पाठ पूजन कर लो, वो फलदायक नहीं होगा, इसलिए कि आपको विश्वास करना जरूरी है। बृहस्पतिवार को यह उपाय जरूर करें, मैं इसमें पीछे उपाय लिख रहा हूँ। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी जन्म पत्रिका भेज सकते हो कमेंट में, या डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हो, मैं आपको उसका उपाय जरूर बताऊँगा। यह वीडियो जरूर देखें।